फिर बच्चे को अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, यानी बच्चा मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये भी एक स्पीच डिले का मुख्य कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, कंसल्टेंट चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट इन न्यू क्लिनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। स्पीच डिले क्या होता है, कब हम कहेंगे कि हमारे बच्चे को स्पीच डिले है, और अगर बच्चे को स्पीच डिले है तो क्या वो नॉर्मल है, या फिर कहीं बच्चे को कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ तो नहीं है, या फिर कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज़्म तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चों में मोटर माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि बच्चे का गर्दन संभालना, बच्चे का बैठना, बच्चे का चलना, उसी तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज भी एक तरह के माइलस्टोन्स हैं जिन्हें बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे अटेंड करता है। तो अगर कोई बच्चा स्पीच या लैंग्वेज माइलस्टोन उसकी एज के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाता है, तो हम उसे कहेंगे कि बच्चे को स्पीच डिले है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे में नॉर्मल स्पीच या लैंग्वेज माइलस्टोन्स कब कब आते हैं, यानी किस किस एज पे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक साल पे बच्चा एक शब्द बोलने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, और कुछ कुछ चीज़ों को पॉइंट करने लगता है इन अराउंड 12 मंथ्स टू 14 मंथ्स। डेढ़ साल पे बच्चे के वोकेबुलरिटी में ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स आ जाते हैं, और दो साल पे बच्चा ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स बोलने लगता है और दो शब्दों को मिला के बोलने लगता है, जैसे मुझे यहाँ जाना, खाना खाना, पानी पीना। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं, और अगर बच्चा इनको अपने टाइम पे अचीव नहीं करता है तो हम उसे स्पीच डिले बोलते हैं। अब अगर स्पीच डिले के मुख्य मुख्य कारणों की बात करें, तो सबसे पहले मैं एक टर्म बताना चाहूँगा कि जिसे हम लेट टॉकर्स या लेट ब्लूमर्स बोलते हैं। खासकर इस कंडीशन में बच्चे में ओनली एंड ओनली स्पीच डिले रहता है, उसके अलावा बच्चे में और दूसरे माइलस्टोन्स एकदम नॉर्मल होते हैं। खासकर इसमें कई बार पेरेंट्स में, यानी जैसे मदर या फादर में भी स्पीच डिले की हमें हिस्ट्री मिलती है, तो इसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर दूसरे कारणों की बात करें तो जैसे हियरिंग लॉस, तो अगर कोई बच्चा स्पीच डिले के साथ हमारे पास आता है, ओपीडी में आते हैं, तो हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं। ये क्लिनिकली भी हो सकता है और इसके लिए हम कोई टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर और दूसरे कारणों की बात करें तो जैसे कहीं बच्चे को कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ तो नहीं है, पर ऐसी कंडीशन में बच्चे को स्पीच डिले के साथ साथ दूसरे माइलस्टोन्स भी डिले देखने को मिलते हैं। फिर और दूसरे कारणों की बात करें तो जो बच्चे खासकर जैसे प्रीमैच्योर बॉर्न होते हैं, या फिर जो ट्विंस होते हैं, या जो ट्रिपलेट्स होते हैं, उनमें भी स्पीच डिले की समस्या देखने को मिल सकती है। फिर अन्य कारणों की बात करें तो जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर कोविड एरा में एंड पोस्ट कोविड एरा में यह बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है स्पीच डिले में, जैसे कि डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, खासकर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, या फिर मदर या फादर बोथ आर वर्किंग, या फिर बच्चों का अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, यानी बच्चा मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये भी एक स्पीच डिले का मुख्य कारण है। फिर मैं एक टर्म बताना चाहूँगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्टिव म्यूटिज्म। खासकर इस कंडीशन में बच्चा बोल सकता है बट वो बोलना नहीं चाहता है। तो खासकर जो बच्चे शाय नेचर के होते हैं, या फिर जिनकी फैमिलीज में कुछ फैमिलियल इश्यूज़ होते हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फैक्टर्स होते हैं, वो बच्चों में ये इलेक्टिव म्यूटिज्म वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर मैं बात करूँ कि हाँ, एक टर्म मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, एनकाइलोग्लोसिया, जिसे हम टंग टाई बोलते हैं। टंग टाई बेसिकली क्या होता है कि एक स्किन टैग होता है जो कि हमारी जीभ को नीचे वाले तालू से जोड़ के रखता है। तो जिन बच्चों में स्किन टैग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें टंग फ्रीली मूवेबल नहीं होती है, उन बच्चों में भी हमें मेनली आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी बच्चे कुछ शब्द को क्लियरली नहीं बोल पाते, जैसे कि त, ठ, ड, ये जो शब्द हैं जिनमें हम टंग का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो खासकर इन बच्चों में आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लास्टली मैं बताना चाहूँ कि ऑटिज़्म के बारे में, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉज है स्पीच डिले का, और इसमें अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की फॉर सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑटिज़्म। जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे कि बच्चे को ऑटिज़्म है, और जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे, बच्चे में आउटकम भी उतना ही अच्छे देखने को मिलता है। तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बच्चे को ऑटिज़्म है या बच्चे को केवल स्पीच डिले है? तो जिन बच्चों को ऑटिज़्म रहता है, उसमें स्पीच डिले के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती है। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि बच्चे में आई कांटेक्ट काफ़ी पुअर रहता है, बच्चा बात करेंगे बच्चा तो बच्चा आपके चेहरे की तरफ नहीं देखता है। दूसरा, उसका सोशल इंटरेक्शन काफ़ी पुअर रहता है, बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप उसका नाम 10 बार आप उसे बुलाएंगे तो
एक दो बार ही आपको बुलाने पर रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी टाइम वो आपको नेगलेक्ट करेगा, लाइक बच्चा सुन ही नहीं रहा है। और चीज़ों में जैसे बच्चे में पॉइंटिंग नहीं रहती है, जेस्चर्स काफ़ी पुअर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी पुअर होते हैं, तो चीज़ों को आप पॉइंट करके नहीं बताते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसके एकदम डल हो जाते हैं, आपको चीज़ें बता नहीं पाता है अपने एक्सप्रेशन से। कुछ बच्चों में रिपीटेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हुआ, हाथ को बार बार हिलाना, या हेड बैंगिंग, गर्दन को बार बार हिलाना। उसके अलावा कुछ बच्चों में कुछ बिहेवियर इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं, कि जैसे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। तो खासकर ऑटिज्म में हमें ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले के अलावा आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिल रहा है, देख रहे हैं आप बच्चे में, तो तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। और अगर आपके पीडियाट्रिशियन को लगता है कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है, तो उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि बच्चे में परफॉर्म किए जाते हैं, और अगर बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर स्पीच डिले। अगर आपको स्पीच डिले के संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर दिए गए ईमेल पे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल आंसर दैट ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।